हेलो फ्रेंड, फिर से एक डिमांड पे हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके बीकॉम सेकेंड ईयर में यूज होगा, सीबीएसई क्लास 12th में यूज हो सकता है, सीजी क्लास 12th में भी यूज हो सकता है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैं आपके सामने में ला रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। और इसी बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एक कॉन्सेप्ट बेस पे मैं इसको समझाऊंगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करिएगा और मेरे समझाने के बाद इस क्वेश्चन को बिना देखे एक बार आप और सॉल्व करके देखिएगा। अगर ये बन जाता है तो इसी बेसिस पे आप और क्वेश्चन ट्राई करिएगा। चलिए क्वेश्चन ला रहा हूं मैं सामने, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। श्याम लिमिटेड, सॉरी, श्याम लिमिटेड इशूड अप फॉर अ पब्लिक सब्सक्रिप्शन 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, सॉरी 20 ईच, अरे सॉरी 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेबल एस ऑन एप्लीकेशन 2 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट 5 पर शेयर, ऑन फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड है, ऑन फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर, ऑन सेकेंड कॉल 3 पर शेयर, एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 30,000 शेयर। यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन जो रिसीव हो रहा है कितने शेयर के लिए हो रहा है, 30,000 शेयर। अलॉटमेंट वेयर मेड प्रो राटा टू द एप्लीकेंट फॉर 24,000 शेयर, द रिमेनिंग एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड एंड एंड देयर मनी वॉज रिटर्न, मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टूवर्ड द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, राम टू हुम 800 शेयर वेयर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी, एंड मोहन टू होम 1,000 शेयर वेयर अलॉटेड फेल टू पे दे टू कॉल, ऑल द शेयर वेयर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर सेकेंड कॉल वॉज मेड, ऑल द फॉरफिटेड शेयर वेयर सोल्ड टू जॉन एज फुल पेड अप ₹8 पर शेयर। ठीक है, सो द जर्नल एंट्री ऑफ द अबो क्वेश्चन। तो अब हम इसको हमको इसमें जर्नल एंट्री शो करना है, क्लियर है? तो आपके इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट करेंगे और इसको हम डिटेलिंग से सॉल्व करेंगे, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन में आपको पढ़ने से ये समझ आ रहा है कि कंपनी ने शेयर इशूड किया है 20,000, कंपनी ने कितना शेयर इशूड किया है 20,000, और कंपनी के पास शेयर कितना आ रहा है टोटल 30,000। इसका मतलब ये आपका ओवर सब्सक्रिप्शन है, इसका मतलब अगर हम देखें तो इसको ये क्या है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन है। और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको पता है अगर हम ओवर सब्सक्रिप्शन इंस्टॉलमेंट मेथड से बनाते हैं तो हमको एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है प्रोराटा, प्रोराटा स्टेटमेंट एक हमको बनाना पड़ता है। ये प्रोराटा का एग्जैक्ट कोई मीनिंग, एग्जैक्ट कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है, इसका बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, मेरे को जो फॉर्मेट इजी लगता है उस फॉर्मेट में बनाऊंगा। अगर आपको ये फॉर्मेट इजी लगता है तो आप इस फॉर्मेट में बना सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास कोई और ऑप्शन होगा तो उस ऑप्शन में आप इस फॉर्मेट को बना सकते हैं, क्लियर है? सबसे पहले अगर मैं इस फॉर्मेट में देखूं तो मैं 8 कॉलम बेसिस पे बनाता हूं। मैं सबसे पहले यहां पर लेता हूं अप्लाइड, मेरे फॉर्मेट के हिसाब से मैं सबसे पहले आ लूंगा अप्लाइड, देन यहां पर मेरा आ जाएगा अप्लाइड के बाद इशूड। ठीक है, इशूड आप पहले एक बार देख लीजिए फिर बनाएंगे, अप्लाइड इशूड फिर शेयर एप्लीकेशन फिर शेयर अलॉट फिर आता है अमाउंट रिसीव्ड, फिर सॉरी अमाउंट रिसीव्ड, फिर आता है अमाउंट ड्यू, फिर एडजस्टमेंट, फिर रिफंड। ये 8 पेयर में हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये 8 कॉलम है, ये आपको याद रहना है, अगर मेरे हिसाब से बनाना है तो आपको इसको याद करना पड़ेगा प्रोराटा को। देखिए क्वेश्चन बोलता है भाई कि कंपनी के पास टोटल सब्सक्रिप्शन अप्लाइड हुआ है, टोटल शेयर अप्लाइड हुआ है 30,000, कंपनी ने शेयर इशूड किया है 20,000, यहां तक समझ आता है? अब आपको आगे बोलता है कि कंपनी जो 24,000 शेयर है
जितना 24,000 शेयर तक को एप्लीकेशन जो आया है उसको एडजस्ट कर रहा है, प्रो डाटा में लिखा है, मतलब 20,000 शेयर अलॉट कर रहा है। क्लियर है? तो भाई 24,000 वाले से अगर वो एप्लीकेशन मनी लेगा तो एप्लीकेशन के लिए कितना रुपए बोला है, 2 रुपए। तो 24,000 एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन के टाइप पे 2 रुपए दिया होगा, तो कंपनी के पास अमाउंट रिसीव्ड हुआ है 48,000। लेकिन अगर शेयर कंपनी ने 20,000 इशूड किया तो उसके हिसाब से एप्लीकेशन पे पैसा ड्यू होना चाहिए 40,000। तो जितना ज्यादा है उतना मैं क्या कर रहा हूं, एडजस्ट कर रहा हूं, 8,000 मेरा एडजस्टमेंट में आ गया। क्लियर है? उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि भाई अब 30,000 शेयर में 24,000 का तो काम हो गया, बचा कितना शेयर, 6,000 शेयर। इस 6,000 शेयर को हम कुछ भी अलॉट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर डैश आ जाएगा, 0। 6,000 एप्लीकेशन वाले लोग भी जब एप्लीकेशन दिए होंगे तो मुझे 12,000 अमाउंट रिसीव्ड हुआ होगा उनसे, बट उनको मैं कुछ भी शेयर नहीं दे रहा हूं, तो शेयर को रिजेक्ट, उसका शेयर रिजेक्ट होने से उसका कोई अमाउंट ड्यू नहीं है। और जब उसका कोई अमाउंट ड्यू नहीं है तो पूरा उसका 12,000 मुझे क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। अब आपको यहां से ये कंप्लीट, यहां से आप इसको चेक करेंगे, आपका शेयर एप्लीकेशन जो है वो 30,000 अप्लाइड के साथ मैच होना चाहिए, ये जो शेयर अलॉट टोटल 20,000 आपके इशूड के साथ मैच होना चाहिए, आपका टोटल अमाउंट आ रहा है 60,000, अमाउंट ड्यू आ रहा है 40,000, आपका एडजस्टमेंट में जो एडजस्ट होता है अलॉटमेंट में वो 8,000, और 12,000 आपका रिफंड में आ रहा है। क्लियर है? ये आपका प्रोराटा कंप्लीट हुआ, आपको इसी बेसिस से प्रोराटा बनाना होता है। क्लियर है? फिर से समझा देता हूं क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई जो जो बंदा है श्याम लिमिटेड है, उसने 20,000 शेयर इशूड किया है और उसके पास एप्लीकेशन 30,000 आया है, जिसमें से वो बोलता है कि 24,000 शेयर को हम प्रो राटा में एडजस्ट कर रहे हैं और बाकी के लिए कुछ नहीं बोला। इसका मतलब यह है कि 24,000 शेयर्स को हम यूज कर रहे हैं और बाकी शेयर्स को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो भाई टोटल 30,000 शेयर में 24,000 यूज हो गया तो बचा कितना, 6,000। तो वो 6,000 रिजेक्ट हो रहे तो 6,000 को माइनस में डाल दिए, ठीक है, सॉरी 6,000 को हम रिजेक्ट में डाल दिए। तो ये आपका प्रो राटा बन गया। अब इसका एंट्री, अब आपको इसका एंट्री करते जाना, एक एक एंट्री में लिखते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा, आप ध्यान से लिखना और समझना। देखो आपके क्वेश्चन में यहाँ पर इक्विटी शेयर इशूड की, इक्विटी शेयर वर्ड यूज हुआ है, तो हर आप क्वेश्चन में सामने में इक्विटी शेयर लिखेंगे, अगर मैं भूल भी जाता हूं तो आप हमेशा उसको याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमारा पैसा आने का एंट्री होता है, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आने का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रुपए आता है सर, तो जो हम यहाँ पर हमारा जो फॉर्मेट बना हुआ है उस फॉर्मेट के हिसाब से आप देखेंगे तो जो एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड होता है ना, वो अमाउंट रिसीव्ड टोटल यहाँ पास आ जाता है, तो यहाँ हम लिखेंगे 60,000 और यहाँ फिर आ जाएगा 60,000। नरेशन आप एंट्रीज में चेक कर लेंगे, आपके पास जो भी बुक होगा उसमें एंट्री के नीचे नरेशन दिया रहता है, वही सेम एंट्री नरेशन हम लिख देंगे, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर हमारा सेकंड एंट्री होता है इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक। एप्लीकेशन में जो 60,000 आया हम उसको यहां लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट ड्यू हुआ रहता है उसका टोटल लिखा जाता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में जितना हम एडजस्ट करने वाले हैं वो एडजस्टमेंट यहाँ लिखा जाता है, और जितना हम रिफंड करने वाले हैं वो रिफंड को हम यहाँ लिख देते हैं बैंक कॉलम में। ये हमारा दो एंट्री क्लियर, ठीक है।
उसके बाद हमारा थर्ड एंट्री होता है, ये आपका यहाँ पास नरेशन आ जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एडजस्ट अमाउंट। उसके बाद हमारा थर्ड एंट्री होता है, थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री होता है, उसको लिखते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आपको पता है कि आपके क्वेश्चन में 5 रुपए जो इक्विटी शेयर आया है उसमें 2 रुपए प्रीमियम है और 3 रुपए आपका शेयर का अमाउंट है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टोटल शेयर 20,000 है, 20,000 x 5 करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 90,000 रुपीज। क्लियर है? उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल में जितना शेयर का अमाउंट है उसका लिखेंगे 20,000 x 3, 60,000 आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 20,000 x 2 करेंगे तो 40,000 रुपीज आपका प्रीमियम को हो, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक ठीक क्लियर है, सही यहां तक ये आ जाएगा आपका 2 रुपए ही प्रीमियम है, मुझे 3 याद आ गया था, ठीक यहां तक क्लियर है। बींग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बींग अलॉटमेंट मनी ड्यू। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ एंट्री एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, ये फोर्थ एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होता है, आप ध्यान से देखेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट एंट्री है सर? इस एंट्री में आपका कॉल्स इन एरियर है, क्लियर है? तो आप ध्यान देंगे इसका एंट्री क्या होगा, मैं एंट्री यहां पर लिख देता हूं, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आने का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, सॉरी यहाँ पर 1 लाख 90,000 का डाला, 1 लाख आएगा है ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, कोई बच्चा देख करके बोल भी रहा होगा तो मेरे को कहाँ सुनाई देगा, ठीक है चलिए। यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में आप देखो आपका जो ड्यू अमाउंट है 1 लाख रुपीज, और 1 लाख रुपीज में आप देख रहे हैं 8,000 पहले से आ चुका है, तो 1 लाख पे 8,000 माइनस करेंगे तो अलॉटमेंट में तो आपका जो पैसा आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 92,000, कितना आना चाहिए 92,000, क्लियर है? अब मैं नीचे में एक वर्किंग नोट बना रहा हूं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्किंग ये है कि आपको याद होगा हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन पे ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन है, यस सर, ठीक है, और उस ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन में अलॉटमेंट में ही क्या आ गया है, कॉल्स इन एरियर आ गया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन हो, ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन हो प्लस उसमें अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट कॉल्स इन एरियर आ जाए, कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर आ जाए, तो ये जो मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं वो वर्किंग नोट बनाना आपको कंपलसरी है। ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि एक बंदा है राम जी, राम जी, राम जी जो है उन्होंने हमारे कंपनी का 800 शेयर लिया है, और उन्होंने 800 शेयर लिया था एप्लीकेशन के टाइम, 800 शेयर हमारे पास, हमने राम जी को 800 शेयर इशूड किए हैं, और जब हम उनसे अलॉटमेंट का पैसा मांगने गए तो राम जी बोलते हैं कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। इसका मतलब हम 800 शेयर का जब उसके पास अलॉटमेंट पैसा लेने गए तब वो बोलता है कि हम अभी, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो अब एक बात सोचो कि भाई हमको पता है कि ये जो राम जी है 800 शेयर वाला, वो राम जी क्या 20,000 के अंदर इंक्लूड होगा? मैंने एक बनाया था ना कि 24,000 वाले शेयर होल्डर को 20,000 शेयर इशूड कर रहे हैं, 24,000 शेयर होल्डर को शेयर से हम कितना शेयर इशू कर रहे हैं, 20,000। इसका मतलब ये जो 800 होगा वो 800 क्या इस 20,000 के अंदर इंक्लूड होगा, यस सर,
तो भाई ये जो हम देख रहे हैं 24,000 शेयर के बदले अगर 20,000 इशूड हो रहा है, इसका मतलब राम जी को अगर हमने 800 शेयर दिए हैं, 800 शेयर दिए हैं, इसका मतलब क्या राम जी हमसे 800 शेयर ही मांगा होगा तो 800 दिए हैं? नो सर, ये अगर 800 शेयर अगर इसको इशूड हुआ होगा ना इनको, तो पक्का उन्होंने ज्यादा शेयर अप्लाइड किया होगा। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि भाई यहाँ पास राम जी ने कितना अप्लाइड किया था। तो अप्लाइड निकालने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 24,000 मल्टीप्लाई 800 डिवाइडेड बाय 20,000, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना रहा, चेक करो 24,000। मैं भी कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, 24,000 मल्टीप्लाई 800 डिवाइडेड बाय 20,000, तो आंसर आ रहा है 960। इसका मतलब राम जी ने कितना अप्लाइड किया है, 960। जब राम जी ने 960 का शेयर अप्लाइड किया होगा तो उनको कितना शेयर मिला होगा, 800 शेयर मिला होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं भाई कि जो राम जी है उन्होंने जब 960 का शेयर अप्लाइड किया होगा तो एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपीज दिया होगा, तो 960 × 2 करेंगे तो कितना रुपया उनसे एप्लीकेशन उन्होंने दिया होगा मुझे, 1920 रुपीज का पैसा मिला होगा। लेकिन मैंने उसको 800 शेयर इशूड किया है तो उससे 2 रुपीज के हिसाब से उनसे मुझे 1600 रुपीज लेना था, तो 320 रुपीज एक्सेस दिख रहा है, एक्सेस इन एप्लीकेशन, एक्सेस इन एप्लीकेशन। तो भाई जब 320 एक्सेस इन एप्लीकेशन है, जब मैं अलॉटमेंट के टाइम जब मैं राम जी से 800 शेयर पे 5 रुपीज मांगने जाऊंगा तो उनसे मुझे लेना है 4,000 रुपीज, तो 4,000 पे मैं माइनस कर दूंगा एक्सेस मनी को, तो एक्सेस मनी कितना है आपका, 320 माइनस कर दूंगा, तो 4,000 पे माइनस 320 करेंगे तो उनसे लेना कितना रुपए है, उनसे लेना है 3,680 रुपीज। इतना अलॉटमेंट लेना था जो कि नहीं मिला, तो ये मेरा, अब ये जो मेरा एरियर है इसी को मैं बोलूंगा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। क्लियर है? आप अगर नॉर्मल बच्चा क्या बोलेगा, 800 से यार उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया 5 रुपए के हिसाब से, तो कॉल्स इन एरियर 4,000 आएगा, बट वो बहुत बड़ा मिस्टेक है, उसका एक्सेस मनी को हम एडजस्ट करेंगे तो हमारा कॉल्स इन एरियर यहाँ पास आ जाएगा। कॉल्स इन एरियर हम लिखेंगे कितना निकला था, 3,680, तो बाकी पूरा पैसा फिर आया होगा यार, तो 92,000 को अगर अपन देखे तो यहाँ पास हमारा पैसा आया होगा 88,320 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री अगर हम देखते हैं तो फिफ्थ एंट्री फिर फर्स्ट कॉल ड्यू का एंट्री होगा। अब फर्स्ट कॉल ड्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, फोर्थ एंट्री अगर समझ आ गया ना दोस्तों तो नीचे का एंट्री फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब फिफ्थ एंट्री भाई, फिफ्थ एंट्री अलॉट फर्स्ट कॉल ड्यू का होगा, तो एंट्री लिखते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमको पता है कि भाई 20,000 शेयर है, फर्स्ट कॉल में अपन कितना रुपया मंगा रहे हैं, फर्स्ट कॉल का पैसा दिया हुआ है 2 रुपीज, तो 2 रुपीज के हिसाब से हमारा ड्यू अमाउंट होता है 40,000 रुपीज, तो 40,000 डेबिट और 40,000 क्रेडिट बीइंग अलॉट फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। देन सिक्स्थ एंट्री, सिक्स्थ एंट्री हमारा एंट्री हो जाएगा, सिक्स्थ एंट्री करेंगे पैसा आने का एंट्री होगा, सिक्स्थ एंट्री हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो भाई अब बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर से हमको फर्स्ट कॉल से टोटल पैसा कितना आना चाहिए, 40,000 रुपीज।
अब यहाँ पास तो हमको समझ आता है कि भाई एक राम जी हैं जिन्होंने 800 का शेयर नहीं दिया, 800 शेयर का पैसा नहीं दे रहे हैं। और तो यहाँ पास एक और बंदा आ गया, मोहन बोलता है कि मैं भी, मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो मैं वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो अब टोटल मेरे को 1800 शेयर का पैसा नहीं मिल रहा है, कितना रुपए नहीं मिल रहा है, 2 रुपीज। तो 1800 × 2 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3600 मेरा फिर से एरियर पे चले गया, और 3600 को माइनस कर दे पाएंगे अपन 40,000 से, तो 36,400 रुपीज हमारा पैसा रिसीव हुआ है। दूसरा ऑप्शन आप ये भी देख सकते हो कि 20,000 शेयर में से वो आपको 1800 शेयर का पैसा नहीं मिल रहा है, तो 18,200 शेयर का पैसा मिल रहा है। 18,200 × 2 अगर 2 भी करोगे तो वो भी आपका आंसर सेम आएगा जो हम बैलेंसिंग फिगर से निकाले हैं। दो ऑप्शन है। उसके बाद सेवंथ एंट्री सेकेंड कॉल ड्यू का एंट्री होगा, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पास फिर से हमारा अमाउंट आएगा 20,000 शेयर है, 20,000 × 3 रुपीज फाइनल कॉल में, तो यहाँ पर 60,000 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 60,000 लिख देंगे, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। फिर हमारा एंट्री होगा एट्थ एंट्री पैसा आने का एंट्री करेंगे। तो पैसा आने का एंट्री हम देखते हैं, पैसा आने का एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। उसने उन दो लोग हैं जिन्होंने ना तो अभी अभी तक पैसा नहीं दिया, हम उसको ऑप्शन दे रहे हैं अभी तक पटा सकते हो, वो अभी भी नहीं पटा रहा है, तो उसका अभी भी हमको एरियर दिख रहा है। अलॉट तो कर दिए भाई, अलॉट कर दिए, तो उनको बार बार हम कॉल करके बोल रहे हैं भाई आप पैसा पटा दो, हम उसको ऑप्शन दे रहे हैं, बट वो बंदे लोग अभी तक पैसा नहीं। अब राम जी तो वनवास चले गए हैं तो वो कहाँ से पटा पाएंगे, लेकिन मोहन को तो समझना चाहिए मोहन के कारण, जबकि राम जी वनवास गए अब वो भी नहीं पटा रहे हैं, तो दोनों के कारण यहाँ श्याम लिमिटेड जी हैं, है ना, राम जी का दूसरा रूप श्याम जी, उनको प्रॉब्लम हो जा रहा है। देखो कैसा कैसा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर सब हमको चाहिए 60,000। अब हमको पता है कि भाई राम जी वनवास गए हैं, मोहन जी उनके कारण पे वो नहीं देंगे तो मैं भी नहीं दूंगा बोलता है, तो उनके कारण हमारा 1800 का 3 रुपीज फिर से नहीं आया इस कॉल में, तो टोटल 5400 रुपीज नहीं आया। तो 5400 को फिर 60,000 से माइनस कर दो तो हमारा पैसा सिर्फ कितना मिला है, बाकी देशवासियों ने दे रहा है, बहुत अच्छे इंसान है, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। अब देखो, अब श्याम जी भड़क गए, एक तो है तो दया के मूर्ति, कान्हा है ठीक है, गोपियों के साथ रासलीला करता है। अब वो बंदा कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन उसको गुस्सा आ गया, बोलता है इतना दुस्साहस, वो क्या बोलते हैं, इतना दुस्साह कि मेरा मोहन मेरा पैसा नहीं दे पा रहा है, और मैं उसको इतने समय दे दिया, उसने फर्स्ट कॉल पैसा नहीं दिया, मैंने उसको सेकंड कॉल में भी अपॉर्चुनिटी दिया, सेकंड कॉल में पैसा मांगा, सेकंड कॉल में भी नहीं दे रहे, तो अब उसका कुछ तो करना होगा। तो जब उसका कुछ करना होगा, बलराम जी एकदम गुस्से में आ गए, क्योंकि वो गुस्से होते हैं, उन्होंने बोला एक काम करते हैं, क्या, दोनों का शेयर को फॉरफिट कर दिया जाए, दोनों का शेयर को फॉरफिट कर दिया जाए। तो यहाँ पर हमारा एक नाइन्थ एंट्री होगा कि राम जी को भी नहीं छोड़ेंगे और मोहन जी को भी नहीं छोड़ेंगे, दोनों का शेयर को फॉरफिट कर देंगे। तो फॉरफिचर का एंट्री क्या होगा, फॉरफिचर का एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है दोस्तों, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। तो देखो मेरा बीच में वर्किंग नोट आ गया था, मुझे नहीं पता था कि इतना लाइन लगेगा करके, बट आप लोग को ये एक ही साथ कंटिन्यूएशन में करना होगा ना। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट से होता है कि कितना कंपनी ने अभी तक पैसा मंगा चुका है। तो 1800 का टोटल 10 रुपीज मंगा चुका है, तो 18,000 रुपीज आपका शेयर यहां आ जाएगा।
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भाई एक बंदा है, कौन है, 800 शेयर मोहन, जिन्होंने 800, मोहन बोलता हूँ, राम जी ने 800 शेयर का अलॉटमेंट पैसा नहीं दिया था, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया था, तो 1600 ये आ जाएगा। अब आप चेक करना कि आपका जो कॉल्स इन एरियर है, टोटल कॉल्स इन एरियर आपको कितना कितना हुआ है, टोटल कॉल्स इन एरियर कितना कितना हुआ है आप देखेंगे। आपका सबसे पहला मैं आपको दिखा देता हूं, सबसे पहले कॉल्स इन एरियर आपको फोर्थ एंट्री में मिलेगा, जहां पास 1360 का आपका जो राम जी का पहला कॉल्स इन एरियर है, 3680 प्लस आपका सिक्स एंट्री में 3600 का कॉल्स इन एरियर, ठीक है, प्लस लास्ट एंट्री एट वाले में 5400 का कॉल्स इन एरियर, 5400 का कॉल्स इन एरियर, टोटल आपका कॉल्स इन एरियर होता है 12680। कितना होता है? 12680, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ ये 12680 आया कहाँ से। पहला आपका 3680 रुपीज प्लस 3680 रुपीज प्लस 3600 प्लस 5400, ये तीनों को मिल करके आया, तो इसको आप कॉल्स इन एरियर में आप यहां बस लिख सकते हैं 1260 1260 1260। तो आप टोटल कर दो 18000 प्लस 1600 माइनस 12680, तो यहाँ पास आ जाएगा आपका फोरफिचर में 6920, 6920 आपका ये आ गया अमाउंट, क्लियर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट एंट्री होगा, 10th एंट्री आपका होता है रीइशूड करने का। अब रीइशूड भाई, पूरे शेयर को हम रीइशूड कर रहे हैं, क्वेश्चन बोलता है पूरे शेयर को हम रीइशूड कर रहे हैं 8 रुपए शेयर में, फेस वैल्यू है 10 रुपए, रीइशूड हम 8 रुपीज में कर रहे हैं, मतलब डिस्काउंट में रीइशू कर रहे हैं। सर क्या शेयर को डिस्काउंट में रीइशू किया जाता है क्या? हमको तो पढ़ाया नहीं है कभी शेयर को डिस्काउंट में रीइशू। तो बोलते हैं भाई फ्रेश शेयर को कभी भी डिस्काउंट में रीइशू नहीं किया जाता है, बट फॉरफिटेड शेयर्स को हम डिस्काउंट में रीइशू कर सकते हैं, लेकिन ये डिस्काउंट उस हद तक दिया जाता है जितना कंपनी के पास फॉरफिचर अमाउंट होता है, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता, मतलब ये डिस्काउंट में इशू नहीं हो रहा है। आप बाद में इसमें लॉजिक लगा करके समझना, ठीक है। सबसे पहले पैसा आने का एंट्री होता है रीइशू में, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर, देखो डिस्काउंट वर्ड नहीं लिख रहा हूं, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर हम देख रहे हैं 1800 शेयर रीइशूड हो रहा है 8 रुपीज के हिसाब से, शेयर फॉर फ्यूचर में जितना रुपए नहीं मिला 2 रुपए, और शेयर कैपिटल में आ जाएगा 1800 × 10 रुपीज, तो यहां लिखेंगे 18000, यहां आ जाएगा आपका 1800 × 2 कर देंगे 3600 शेयर फॉर फ्यूचर में, और उसके बाद बाकी बैलेंस जो दिख रहा है उसको हम, जो बैंक में पैसा आया उसको हम लिख देंगे 14400 रुपीज, 14400 रुपीज यहाँ आपका आ जाएगा, ठीक है। और जब भी रीइशूड करते हैं तो जो एक्सेस फॉर फ्यूचर अमाउंट है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना रुपए जाएगा? हमारा क्रेडिट फॉर फ्यूचर है 6920 माइनस 3600, तो जो बचेगा वो फॉर फ्यूचर में जाएगा 6920 माइनस 3600, तो आंसर आ जाएगा आपका 33220, 33220, ये हमारा बीइंग फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगर ये बीकॉम सेकेंड ईयर में आता है तो पूरे 50 नंबर आपको यहां से मिलेगा, क्लियर है दोस्तों। चलिए ये हमारा क्वेश्चन मैंने एक बार सॉल्व कर दिया आपको, ऑन डिमांड ये क्वेश्चन आया था जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको करके दे दिया है। हमारे पास सभी क्लासेस रन होते हैं दोस्तों, हमारे पास जो क्लासेस हैं वो सभी क्लासेस रन होते हैं, आपको चाहेंगे तो 9th से लेकर के 12th तक, प्लस बी कॉम बी एस सी
सॉरी बीएससी तो नहीं है, बीकॉम हमें स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे ऊपर पे, देखो 9, 10, 11, 12 बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी क्लासेस अवेलेबल है। नेक्स्ट सेशन पे हमारा 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमारे क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कर सकते हैं, 8878697143 ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल मैसेज सब चीजें कर सकते हैं और क्लास के बारे में पूछ सकते हैं। अगर अभी आप एग्जाम टाइम पे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर मैं अवेलेबल रहा तो मैं जरूर आपका सपोर्ट और आपका हेल्प करूंगा। थैंक यू।